आज हम कक्षा दसवीं में अध्याय पांच तत्वों का आवर्त वर्गीकरण इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि इस पार्ट में से जो अभी नवीनतम जो सिलेबस है तो उसमें उसमें 6 अंक का आएगा इस पार्ट से। कुल 6 अंक का आएगा और 6 अंक में से भी एक आएगा वस्तुनिष्ठ और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक आएगा 3। 1 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो आएगा वस्तु निष्ठ और छोटे छोटे 2 या 3 2 नंबर का और 3 नंबर के क्वेश्चन, इस प्रकार 6 अंक का आएगा आपको इस लेसन से। तो मेंडलीफ का नियम पढ़ा था, मेंडलीफ ने क्या किया था, एक आवर्त सारणी बनाई और उसने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा, द्रव्यमान जो संख्या होती है उसके क्रम में रखा। उसके बाद जो आधुनिक आवर्त नियम है ये मोसले नामक वैज्ञानिक ने बनाया, इसे हम मोसले का नियम भी कहते हैं। मोसले नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया, उसने द्रव्यमान संख्या के बजाय परमाणु संख्या के आधार पर यह नियम बताया कि जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। और इस प्रकार उसने एक आवर्त सारणी बनाई जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। उस आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग थे। सारणी में 18 वर्ग और 7 उसमें आवर्त थे। और 18 उसमें क्या थे, वर्ग थे। और उसने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो कमियां थी उन कमियों को यहाँ पर क्या किया गया, दूर किया गया। आप देख सकते हो यह आधुनिक आवर्त सारणी थोड़ी बड़ी होगी। तो इस प्रकार ये देखेंगे इसमें 18 वर्ग थे, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये 12, 13 इस प्रकार ये 18 समूह बोल सकते हैं। इनको ऊर्ध्वाधर लाइनों के द्वारा, खड़ी लाइनों के द्वारा बांटा गया और इस वाली आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे, आप देख सकते हो 1 से लेकर 7 तक। ये बहुत ही स्पष्ट सारणी दिख रही है। इसने मोसले नामक वैज्ञानिक ने इसमें बढ़ते हुए परमाणु संख्या, जानते हो परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, तो जैसे हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो 1, इस सारणी से आप परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हो किस तत्व की कितनी है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है तो इसको पहले नंबर पर रखा और जो पहला आवर्त था, जो क्या था, पहला आवर्त था उसमें 2 तत्व थे और दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व थे। आप देखेंगे हाइड्रोजन और ये हीलियम। उसके बाद दूसरा आवर्त में 8 तत्व हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार। ये दूसरा तो तीसरा आवर्त था उसमें भी 8 तत्व थे। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, आप इनको गिन सकते हो 18 तत्व हैं। और जो छठवा आवर्त था उसमें लैंथेनाइट तत्व थे, तो यहाँ पर 57 जिसका परमाणु क्रमांक है संख्या है वो, उसके बाद ये सारणी यदि हम यहाँ लिखते तो बहुत बड़ी हो जाती, तो 57 के बाद लैंथेनाइट तत्वों को सारणी के नीचे अलग से स्थान दिया। देखिए आप पूरा 71 और उसके बाद फिर ये 71 आया और फिर इनसे 72 आ गया। उसके बाद इस सारणी को बार बार पढ़ना जरूरी है
ये छोटे से पेपर में भी मिलती है बाजार में, आप चाहें तो सभी छात्र अपने वहाँ टेबल के पास लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो तत्व आते हैं संकेत याद हो जाता है। और इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि 89 तक रखा, उसके बाद जो एक्टिनाइट तत्व थे यहाँ से उनको फिर अलग से स्थान दे दिया, तो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को अलग से स्थान मिल गया। तो इस सारणी को बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है परमाणु संख्या के, तो आपको यहाँ पर कुछ तत्वों के परमाणु संख्या, जैसे हम देखेंगे प्रथम तत्व, प्रथम आवर्त में दो तत्व हैं और दोनों क्या हैं, अधातु। ये देखिए अधातु के लिए ऐसा, धातु के लिए हल्का सा पीला, और जो उपधातु है जिसमें धातु के गुण भी हैं और अधातु के, उनका ये हल्का सा बैंगनी या गुलाबी रंग आपको दिख रहा है, ये सब उपधातु हैं। तो पहले आवर्त में जो है वो क्या है, अधातु है, दूसरे आवर्त में दो धातुएं हैं, Li लिथियम, Be बेरिलियम। और इस प्रकार शुरू में आप देख रहे हो धातु तत्व हैं अधिकतर, और बाद में कौन से तत्व आ रहे हैं, अधातु तत्व आ रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस प्रकार ये तत्व हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो हमने देखा था कि हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था, यहाँ पर हाइड्रोजन को एक वर्ग में भी रखा गया और 17वें वर्ग में भी रख सकते हैं, क्योंकि उनके गुण इससे थोड़ा सा मिलते जुलते हैं। अब जो प्रथम 10 तत्व हैं, तो ये एक दो, प्रथम 10 तत्व मतलब यहाँ पर आएंगे, और प्रथम समूह आएगा ये ऊपर से पूरा नीचे, आप देख सकते हो ना, ये प्रथम समूह है। तो प्रथम समूह में कितने तत्व होंगे, 7 तत्व होंगे। इनकी हम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इनमें कुछ समानताएं हैं। जो प्रथम समूह में रखा हुआ है तो उनके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, और उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक। आप जो दूसरे समूह में रखा हुआ है उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, दो। तो ये जो आवर्त सारणी है ये कुछ गुणों को प्रदर्शित करती है परमाणुओं के बारे में। तो कुछ आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों के से आप कुछ क्या कर सकते हो कि इनके बारे में पढ़ सकते हो। जैसे हम प्रश्न है प्रथम समूह के प्रथम 3 तत्वों के नाम लिखिए, तो आप आवर्त सारणी में देख सकते हो प्रथम 3 तत्वों को, देखिए ये हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम, इस प्रकार हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम। तो प्रथम समूह के प्रथम 3 तत्वों के नाम हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम नहीं है, लिथियम है, लिथियम, और यह है सोडियम। वैसे 7 तत्व होंगे क्योंकि तो ऊपर से अपन नीचे जा रहे हैं। अब 3 तत्वों के नाम आपने लिख लिए, एच, एच का आप पूरा नाम जानते ही हैं, हाइड्रोजन, एल आई लिथियम, और एने सोडियम। अब इन्हीं में से दूसरा प्रश्न हम बनाते हैं भी, उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। तो हाइड्रोजन पहले नंबर पर था, तो सबसे पहले हमें उनकी परमाणु संख्या बताते हैं, तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो एक, और जो लिथियम की परमाणु संख्या है वो है 3, आप ये सारणी से देख सकते हो, और जो सोडियम की परमाणु संख्या है वो है 11। तो ये परमाणु संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। परमाणु
परमाणु संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। चूंकि परमाणु उदासीन होता है इसलिए उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब इनका हमें क्या बताना है, विन्यास बताना है। तो इसके पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा दो, सॉरी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो एक होगा, क्योंकि इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही होगा। लिथियम के पास कुल इलेक्ट्रॉन तीन है तो इसके पहले कक्ष में दो हो, पहले कक्ष में दो होंगे और दूसरे में एक होंगे तो तीन हो गया। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कक्ष में दो होंगे, दूसरे में आठ होंगे और एक, दो आठ दस और एक 11। तो ये पहला कक्ष में देखिए, ये इसका सोडियम का पहले कक्ष में दो हैं, दूसरे में आठ, तीसरे में एक, और हाइड्रोजन के पास केवल एक ही कक्ष होगा। तो इनमें क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप देखते हैं तो क्या समानता है, क्या समानता है, तीनों के अंतिम कक्ष में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों मतलब इनकी संयोजकता कितनी होगी, एक। तीनों कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब उन तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता में हमने पढ़ाया कि अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता। तो इसका जो उत्तर होगा, तीनों की जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो है एक। तो इस प्रकार आप अन्य तत्वों के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। अब कुछ प्रश्न है ये महत्वपूर्ण, संयोजकता की परिभाषा हमने पूर्व में भी बताई है और आधुनिक आवर्त नियम मतलब मोसले का नियम आपको बताना है। धन्यवाद।